बहुत सारे जो आपके यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट हैं, चाहे मोबाइल फटने की आपकी घटना हो रही है या एसी में आग लगने की हो रही है, या हम कभी कभार देखते हैं कि आपकी जो व्हीकल्स हैं उस पर खड़े खड़े आग लग जाती है। लोग जो हैं वो पेड़ लगा के या जो है जंगल लगा के आप पैसे कमा सकते हो, जो हम बात करेंगे पर्टिकुलर कार्बन क्रेडिट में। $70 to $80 का एक कार्बन है वहाँ पे। अच्छा, मतलब 5-6 हज़ार रुपए। एग्जैक्टली 5-6 हज़ार के आसपास आप अप्रोक्सीमेटली लेके चलिए, एक कार्बन है। मैं कह रहा हूँ इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं है। आपके पास स्पेस है, आप उसको होल्ड करते हो, गो अहेड विद इट। तो गवर्नमेंट अभी रेगुलेट किया है एंड गवर्नमेंट ने ये ट्रेडिंग जो कार्बन ट्रेडिंग होगा उसको इवन लीगल भी कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अंकित के बारे में बता दूं। अंकित ने उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से 2017 में अपना बीटेक कंप्लीट किया, उसके बाद 2 साल जो इंडस्ट्री में जॉब की है, और उसके बाद अंकित पिछले 6 सालों से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की खुद की है, एकांतिका सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसमें ये डायरेक्टर है। अंकित आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, आपका धन्यवाद, आपने आमंत्रित किया एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गेट इन्वाइटेड। एज आई वॉन्ट टू फर्स्ट रियली थैंक्स टू यू, एज अंडर योर गाइडेंस वी हैव कम्प्लीटेड अवर बी टेक एंड वी गोट इमेंस प्लेजर दैट यू आर कनेक्टेड विद अस एंड स्टिल वी आर कनेक्टेड एंड आई एम हैप्पी टू शेयर माई थॉट्स टूडे विद यू ऑन योर यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंड। थैंक यू फॉर वेलकमिंग। वेलकम वेलकम अंकित। तो अंकित, जैसे थोड़ी देर पहले हम यहाँ पे बात कर रहे थे, आप अभी जो हैं वो लैब टेस्टिंग में हैं या इंस्ट्रूमेंट टेस्टिंग वाले में हैं, तो आजकल जैसे इस समय आपकी बहुत गर्मी हो रही है, बहुत सारे जो आपके यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट हैं, चाहे मोबाइल फटने की आपकी घटना हो रही है या एसी में आग लगने की हो रही है, या हम कभी कभार देखते हैं कि आपकी जो व्हीकल्स हैं उस पर खड़े खड़े आग लग जा रही है, तो हम डिटेल में इस पर हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई भी एक कंज्यूमर है या एक कस्टमर है, वो कैसे चेक करे कि मेरा ये इंस्ट्रूमेंट सही है या टेस्टेड है, तो कैसे हम स्टार्ट करेंगे? सर देखिए, इसके लिए BIS ने, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इंडिया में एक रेगुलेटेड बॉडी है जो कि आपका सेफ्टी के लिए डील करता है कि जो भी आपका एंड प्रोडक्ट कंज्यूमर के यूज के लिए जा रहा है उसको वो लोग लाइक पैरामीटर्स डिफाइंड है, स्टैंडर्ड मेंटेन किए हैं, तो एज पर स्टैंडर्ड उसको टेस्ट करना होगा। वो स्टैंडर्ड पे अगर टेस्ट पास हो जाता है दैट मीन्स द प्रोडक्ट इज सेफ टू यूज बाय द एंड कंज्यूमर। ओके, उसके लिए आपको अगर वेरीफाई करना है उसको लाइसेंस मिलता है, BIS प्रोवाइड्स अ लाइसेंस टू द मैन्युफैक्चरर, और आप BIS केयर के नेम से एक ऐप है उसको डाउनलोड करके आप लाइसेंस वेरीफाई कर सकते हो। अगर लाइसेंस वेरीफाइड है वहां पे द प्रोडक्ट इज सेफ टू यूज एंड द प्रोडक्ट इज सर्टिफाइड। अभी हम आते हैं कि ये आजकल जो चल रहा है और आग लगने का और ऐसा क्यों होता है। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट एक होता है उसका एक प्रॉपर लाइफ साइकिल डिफाइंड होता है। प्रोडक्ट टेस्टेड है अंडर वर्स्ट कंडीशंस, एक वर्स्ट सिनेरियो में एक वर्स्ट प्रोडक्ट को लिया जाता है। वर्स्ट हेयर आई एम सेइंग इज द हाईएस्ट कॉन्फ़िगरेशन। ओके, जो प्रोडक्ट का हाईएस्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा उसके साथ में उसको टेस्ट किया जाएगा, सो दैट इट विल बी लाइक गिविंग ऑल द फंक्शंस उसमें ऑपरेटिव होंगे एंड उसके बाद टेस्टिंग के बाद उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। बट अभी क्या होता है कि कुछ हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस आजकल चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ ऑल दिस लाइक क्लाइमेट चेंज एंड ऑल, ये सब इसका रीजन है। तो अभी स्टैंडर्ड्स को उन रफ कंडीशंस के लिए अभी नहीं है डिजाइन, अभी जो हमारे स्टैंडर्ड है वो एज पर लाइक नॉर्मल कंडीशंस जो हमारी है उनके लिए, बट नॉट फॉर दीज रफ काइंड ऑफ सिचुएशंस, बिकॉज स्टैंडर्ड डिफाइन करता है कि यू आर रनिंग अ प्रोडक्ट अप टू 8 hours, 10 hours, बट व्हाट वी आर यूजिंग एसी कंटिन्यूअसली फॉर 20 hours, 16 hours, वी जस्ट स्विच्ड इट ऑन एंड वी डोंट केयर अबाउट दैट, सो इट शुड नॉट बी देयर। हमें बीइंग अ कंज्यूमर हमारी भी कोई ड्यूटी बनती है, ठीक है। BIS ने अपना ड्यूटी पूरी किया उसको टेस्ट करा के, उसको आपको एक सर्टिफिकेट देके कि भाई दिस इज द प्रोडक्ट एंड सेफ टू यूज, नाउ इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज दैट प्रोडक्ट अंडर द गाइडलाइंस। मैन्युफैक्चरर इज सेइंग यूज द प्रोडक्ट फॉर 8 hours, स्विच इट ऑफ फॉर 1 hour, देन यू कैन यूज इट अगेन, बट वी आर नॉट डूइंग दैट 1 hour जॉब। Okay. That is the most important thing. I'm just giving an example of this. So we have to take care of our appliances as well, because see, the climate conditions are like approximately reaching 45 and 50 degrees centigrade. It's very hard. Continuously heat is generated from the product as well. The climatic conditions are changing. And now this 45 degree turns to 60 degree, 70 degree, because continuously heat is generating and the heat is absorbing, product is absorbing the heat. उस केस में क्या होता है, थर्मल रन अवे कम्स इनटू द पिक्चर। ओके, वहां एक बार थर्मल रन अवे हुआ प्रोडक्ट का एंड इट विल कैच फायर। ओके, थर्मल रन अवे को थोड़ा सिंपल करेंगे, उसमें क्या होता है कि जो भी हमारे प्रोडक्ट्स, जितने भी बैटरी ऑपरेटेड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, बेसिकली ये फंक्शन जो होता है बैटरी से रिलेटेड है,
उसमें क्या होता है कि थर्मल रनअवे में ग्रेजुअली आपका टेम्परेचर राइज शुरू हो जाता है, बिकॉज जब बैटरी प्लेस्ड होती है, बैटरी के अंदर में सेल्स प्लेस्ड होते हैं हमारे, उन सेल्स को जैसे ही हम चार्ज या डिस्चार्ज करते हैं एक एनर्जी रिलीज होता है, वो एनर्जी एमिट नहीं हो पाता है प्रॉपर, उसको हीट सिंक नहीं मिलता है कि वो बाहर निकल जाए, तो बाहर ना निकलने की बजाय अंदर ही रहता है प्रोडक्ट में और वो ग्रेजुअली टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड आता है जहां पे वो क्या होता है कि एक्सेस हीट हो जाती है और वो कंट्रोल नहीं कर पाता और माल फंक्शनिंग हो जाती है। अच्छा ठीक है, उसकी वजह से वो थर्मल रन हुआ, माल फंक्शनिंग हुआ, देयर विल बी अ ब्लास्ट और शॉर्ट और शॉर्ट सर्किट, व्हाटएवर द लीक प्रोविजन इज देयर इन दैट, उसके बाद आपका थर्मल रन में आग लग जाती है। अच्छा, उसके बाद आग लग जाती है, ठीक है। ये केवल एसी के लिए है, जैसे आपने बैटरी के लिए कहा, सब के लिए बैटरी के लिए है, जो भी प्रोडक्ट बैटरी ऑपरेटेड है ये उन सब के लिए है, ठीक है। एसी के लिए कंडीशन ये आता है कि जो आपका कंप्रेसर यूनिट है, कंप्रेसर कंटिन्यूअसली आपका क्या करता है कि गैस इन आता है आउट आता है, एंड दैट फंक्शन इज अगेन लाइक आपका लिक्विड स्टेट में आएगा एंड अगेन गैसेस स्टेट में जाएगा, वहां पे हीट एक्सचेंजर होता है एसी में, ठीक है। दैट हीट एक्सचेंजर इज वर्किंग बट up to a limit. उसके बाद क्या होता है कि आपका टेम्परेचर आपने बाहर, लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्प्लिट एसी, आपका एक यूनिट बाहर होगा एंड दैट इज इन ओपन, डायरेक्ट सनलाइट उसके ऊपर आ रहा है, वो हीट उसने अब्सॉर्ब किया, अंदर से रूम को ठंडा करने के लिए वो एक हीट अब्सॉर्ब कर रहा है, उसको रिलीज भी कर रहा है। तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है कि कंप्रेसर इतना चला जाता है एंड वी आर वेरी बैड हैबिट वी आर हैविंग, वी यूज्ड टू यूज टर्बो चार्ज, ओके, लाइक वी आर यूजिंग अवर एसी ऑन टर्बो कूलिंग, दैट मींस द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ आवर एसी। उस केस में क्या होगा, आपका हीट हुआ वहां से, ऊपर का सनलाइट भी है, आसपास का एटमॉस्फेयर का हीट भी है, नीचे जहां पे रखा है वहां का हीट भी है, सो प्रॉपर आपका हीट डिसिपेशन नहीं हो पाता है, हीट एब्जॉर्ब रह जाता है। उस केस में क्या होता है, आफ्टर सर्टेन टाइम आपका मोटर भी उसमें एप्लीकेबल है, मोटर वाइंडिंग्स भी है वहां पे क्योंकि आपका फैन रोटेट हो रहा है, तो देर आर मल्टीपल पैरामीटर्स विच केम इन टू फोर्स एंड दे जनरेट आ एनर्जी, वो एनर्जी इतना ज्यादा हो जाता है कि वो बर्न हो जाता है। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है सर। आई विल रिकमेंड कि आप यूज करें बट for a certain period of time and keep the temperature 23 to 25 so that we can save our nature as well, because again you know like greenhouse gas effects, CFC is released from the ACs, you know very well, so we have to keep this, yes we need cooling, then you can keep it on 25, use it for a period, switch it off, or else take the care of your outdoor unit. ठीक है, you should give some shadows or anything, you can provide some shadow or like alternate method so that it can be cooled down, ठीक है, to prevent this. ठीक है, तो यूएस में आपको बता, देखो अंकित ने बहुत अगर सिंपल भाषा में है, अगर आपको एसी चलाना है तो आप 3-4 घंटे या 2-3 घंटे आप चलाओ, फिर उसको स्विच ऑफ करो, फिर थोड़ा सा ठंडा हो, फिर आप उसको चलाओ। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अंकित अभी लॉ में पढ़ाई भी कर रहे हैं, उसके बारे में हम बाद में थोड़े देर में बात करेंगे कि अगर आपके साथ कोई घटना हो जाती है तो हम कैसे करेंगे। बट अंकित, उससे पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अगर हम ईवी की बात करें, जो इस टाइम पे अगर हम पर्टिकुलरली स्कूटी की बात करें, तो बीच में आया था ओला की जो स्कूटीज हैं उसमें खड़े खड़े में आग लग जा रही है, तो उसके पीछे क्या कारण होगा, यही सेम कारण है? राइट, एग्जैक्टली सर, देखिए अभी यही सेम रीजन था, थर्मल रनअवे, क्योंकि ईवीज में जो बैटरी यूज होता है दैट इज टोटली बैटरी ड्रिवन प्रोडक्ट, और वहां पे बैटरी का कैपेसिटी इतना हाई होता है, लेट सपोज 50 AH, 70 AH, 100 AH तक का बैटरी भी यूज होता है कार्स में, एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ थर्मल रनअवे इज टू हाई। सो अभी एज पर स्टैंडर्ड जो आपका रेगुलेटरी है हमारा, ICAT रेगुलेटरी करता है ईवी व्हीकल्स को, ICAT, that is in their lab is in Manesar as well. तो वहाँ पे अभी गवर्नमेंट ऑफ ये ट्रांसपोर्टेशन ने एक आपका स्टैंडर्ड रिलीज किया IS 16893, ओके, उसके एक पार्ट 3 में डिफाइन किया है थर्मल रनअवे को। पहले उसमें अभी अमेंडमेंट इशू हुआ है 2023 में, ज़्यादा दिनों की बात नहीं है। उस थर्मल रनअवे में गवर्नमेंट ने एक मैंडेटरी पैरामीटर सेट किया है कि जब भी किसी व्हीकल में थर्मल रनअवे होगा, यू हैव टू फिक्स इट एंड 5 मिनट्स, मिनिमम 5 मिनट्स प्रायर you have to give a alarm so that it can be vacated. Okay. इस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे ही गाड़ी में थर्मल रन अवे होने वाला, बिकॉज इट्स नॉट इन आवर हैंड, इफ इट इज गोइंग इन थर्मल रन अवे, लेट सपोज एवरीथिंग इज प्लेस्ड फाइन, बट समहाउ एनी वन सेल वो माल फंक्शनिंग हो जाती है उसमें, तो आग लगने का चांस हो गया। तो 5 मिनट पहले ही आइदर यू हैव टू यूज AI, आइदर यू हैव टू यूज एनी वे सेंसर्स, टेम्परेचर सेंसर्स, वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन दैट, इट्स योर ड्यूटी टू गेट द प्रोडक्ट and to install that in the product, कि 5 मिनट पहले आपको एक अलार्म आएगा कि योर बैटरी इज गोइंग टू बी थर्मल रन अवे, और उसमें एक कंडीशन अभी मेंशन कर दी गई है कि आइदर यू हैव टू कट डाउन द पावर टू द व्हील्स और द मोटर्स, कि आपका व्हील नहीं जाएगा तो गाड़ी रुक जाएगा।
अच्छा। और जब अलार्मिंग सिचुएशन होगी तो आदमी उसको वैकेट कर देगा। अभी हम यहाँ आते हैं कि ये तो ठीक है, ड्राइविंग के थ्रू बात हो गई है, गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, अलार्म होगा तो व्हाट यू विल डू, उसमें क्या होगा, अंदर अलार्म होगा नहीं, उसमें एक अलार्म बाहर भी दिया जाता है कि सराउंडिंग्स को अलर्ट कर दिया जाए कि गाड़ी का थर्मल रन अवे हो चुका है, आप इसको वैकेट कर दीजिए। ठीक है, सो दिस इज अ प्रिकॉशंस वी आर यूजिंग, ओके, कि भाई आप बच जाओगे जान से, बट देयर इज नो श्योरिटी, देयर इज नो डेफिनेटली थर्मल अवे नहीं होगा, वो कैन बी अ पॉसिबिलिटी, कुछ भी हो सकता है। तो एक अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो आग लगने का खतरा तो कहीं भी है। तो ये तो हमने करी पहले की बात, चलो इसमें अगर कुछ छूटा हुआ तो आप बताना कि हम उसको तीन कैटेगरी में रखते हैं। पहला है कि खरीदने से पहले हम इंस्ट्रूमेंट को कैसे देखें, दूसरा उसको यूज करते समय कैसे देखें, उसके बाद हम फिर बात करेंगे अगर किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है तो हम फिर उस पर क्या करेंगे। तो पहले वाले हमारे कवर हो गए कि हमने उनका जो BIS मार्क है या जो ये मार्क है, ये सारे कुछ हमको देख लेने। अब यहाँ पे कुछ पूछना है मुझे कि इंश्योरेंस भी लोग करवाते हैं मोबाइल के फोन की बात करें या बड़े बड़े अगर हम देखें तो इंडस्ट्रीज में कोई भी उनका इंस्ट्रूमेंट है उसका वो इंश्योरेंस करवाते हैं, तो उस समय क्या ध्यान रखना चाहिए। देखिए सर, इसमें एज पर लो अब मैं जाना चाहूंगा, इसमें होता क्या है कि पहले तो आपने चेक कर लिया द प्रोडक्ट इज वेरीफाइड, आपने उसको यूज कर लिया तरीके से। अब थर्ड आता है कि इन केस आपके साथ दुर्घटना कुछ हो जाती है तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत आप कंज्यूमर कोर्ट में एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं अपनी, इफ यू आर सेटिस्फाइड विद द कंडीशंस और आपने जो रूल्स और गाइडलाइंस फॉलो की हुई थी उसमें आपने उसको फॉलो किया है, तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत आप अपने कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं और उसके लिए आपको कंपनसेशन कोर्ट से मिल सकता है। ओके, वहां से मतलब उसमें आपको पूरा प्रॉपर गाइडलाइंस बनी हुई, प्रॉपर गाइडलाइंस, लाइक मैन्युफैक्चरर ये कहता है कि आपने मेरा प्रोडक्ट इस तरीके से यूज किया कि नहीं किया, जो भी लाइक मैन्युफैक्चरर गाइडलाइंस थी, भाई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हुआ है तो उसके लिए कंपनसेट करेगा, तो द ग्राउंड्स विल बी चेक्ड बाय द कोर्ट, बट यस देयर इज अ प्रोविजन, आप मूव कर सकते हो कोर्ट में, ठीक है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट कि आपने प्रोडक्ट को यूज कैसे किया या फिर उन्होंने उसमें प्रोडक्ट में कमी छोड़ी थी कुछ, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट, बट यस देयर इज अ प्रोविजन कि आप कंपनसेशन के लिए कोर्ट मूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बहुत अच्छा यहाँ पे बताया। अब थोड़ा सा इसमें हम और भी जानना चाहेंगे, जैसे इन जनरल अगर हम हाउस होल्ड की बात करें तो आजकल लोग स्टार देख के जो है अपना प्रोडक्ट जो है वो खरीदते हैं, ठीक है, जैसे अगर हम फ्रिज की बात करें 3 स्टार है 4 स्टार है 5 स्टार है, तो उसका क्या मतलब है। देखिए सर, अभी इसको जो आपकी परफॉर्मेंस होता है, दो पैरामीटर्स हैं, एक आपका होता है सेफ्टी और एक आपका होता है परफॉर्मेंस। सेफ्टी के लिए BIS रिस्पॉन्सिबल है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, वहीं परफॉर्मेंस के लिए जो आपका गवर्नमेंट बॉडी जो रेगुलेट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में एक डिपार्टमेंट ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है, वो डिपार्टमेंट इंडिया में रेगुलेट करता है कि प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग जो सर्टिफिकेशन होगा, जो उसका चेक होगा, वैलिडेशन होगा, दैट विल बी टोटली रिस्पॉन्सिबल बाय द BEE। तो वहां पे क्या है, कुछ प्रोडक्ट की लिस्ट है, मैंडेटरी प्रोडक्ट की लिस्ट, कि उन प्रोडक्ट्स के लिए आपको परफॉर्मेंस टेस्ट करना ही करना है, ठीक है, एंड बेस्ड ऑन योर प्रोडक्ट परफॉर्मेंस आपको एक स्टार लेबल दिया जाएगा, आइदर योर प्रोडक्ट इज 1 star 2 star 3 star 4 star 5 star। 5 star मींस द प्रोडक्ट इज मैक्स एफिशिएंट इन द इंडस्ट्री, ओके, एंड 1 star मीन्स द प्रोडक्ट इज नॉट मच एफिशियंट। सो इफ यू वॉन्ट कि आपके घर की बिजली का बिल थोड़ा कम हो, यू कैन गो फॉर 5 star, इट विल हेल्प यू। लाइक सीलिंग फैंस 5 star में आता है, BLDC फैन जो आपके होते हैं, दैट कम्स अंडर 5 star। नॉर्मल आपके जो इंडक्शन फैंस है, जो पुराने टाइम के थोड़े फैंस है, वो आपके 3 star में आते हैं, मैक्सिमम 3 star हो सकता है। सो यहाँ पे अगर मैं एक कंपेरिजन करूँ, बिकॉज सीलिंग फैन हर एक घर में इंस्टॉल, हर एक ऑफिस में, हर एक प्रेमिसेस में होते हैं, तो वहां क्या होता है कि आपका जो सीलिंग फैन है 5 star BLDC फैंस होते हैं, अच्छा, एंड दैट कंज्यूम्स ओनली 24 to 26 watt, ठीक है, और आपका जो नॉर्मल फैन होता है वो कंज्यूम करता है 50 watt, ओके, दैट इज डबल। दैट मींस कि आप एक BLDC फैन, दो BLDC फैन लगाएं और एक इंडक्शन फैन लगाएं, दोनों इक्वल कंज्यूम करेगा। अच्छा, फिर उसके बाद एक पैरामीटर और भी इसमें है, सिर्फ कंजम्पशन ऑफ वाटेज नहीं देखा जाता इलेक्ट्रिसिटी, आपका डिलीवरी भी देखा जाता है, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस क्या है, लाइक फैन का एयर डिलीवरी कितना हवा वो हमें देगा, क्यूबिक में, क्यूबिक सेंटीमीटर में इसको किया जाता है, दैट इज टेक्निकल, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन हियर। उसमें क्या होता है कि आपका वो पैरामीटर भी चेक होगा कि कंजम्पशन कितना किया और एफिशिएंसी कितना दिया, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दैट आपको स्टार लेबल मिलेगा। सेम फ्रिज के साथ में होता है, गीजर्स में भी यही होता है, सो आई विल रिकमेंड अगर आप जा रहे हैं प्रोडक्ट को लेने के लिए, गो फॉर 5 star। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया है, अगेन सेव एनर्जी एंड सेव प्लैनेट। ठीक है, तो अंकित अब थोड़ा सा हम यहाँ पे ना आपके बारे में बात करना चाहेंगे, आपकी एकांतिका जो आपकी कंपनी है उसके बारे में, पहले सबसे पहले तो उसका नाम क्या है और ये वर्ड कहाँ से लिया आपने। सर देखिए, एकांतिक, जब मैंने 18 में जॉब छोड़ा था,
Then I searched about like what to do and what how to choose the name. I have researched approximately many days I have taken to choose the name of my company. Because name is what represent everything. So Ekantik, it came to my mind, it's a Sanskrit word. Okay, theek hai. As we are very connected with our roots. So we were very fixed to the term like we are going to have a Sanskrit name only. So it's a Sanskrit name Ekantik and it means complete. So the company represent is like this Ekantik Services India Private Limited. That means complete services. Okay. All kind of services under one roof we are providing. ठीक है. अब जो आप ये services बता रहे हैं, जैसे हम पहले भी discuss कर चुके हैं, लेकिन आप हमारे viewers को बताना चाहोगे कि आपकी जो ये company है, ये किस field में जो है आपका काम करती है. सर देखिए, हम लोग टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन में डील करते हैं. जितना मैंने अभी आपको बताया कि BIS और BEE एनर्जी एफिशिएंसी, यही हमारा काम है. हमारा काम ये कि प्रोडक्ट को लैब में टेस्ट करना एंड देन उसके बाद में गवर्नमेंट्स के साथ में अप्रूवल करा के मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करना ताकि एक प्रोडक्ट लॉन्च हो सके. सो द प्री कंप्लायंस यू कैन से एंड आफ्टर प्री कंप्लायंस वी गो फॉर द सर्टिफिकेशन पर्पज. ठीक है. ओके. तो कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होने से पहले उसको टेस्ट करना, उसके कंप्लायंस चेक करना, आइदर इट इज फुलफिलिंग द क्राइटेरिया और नॉट, वो हमारा काम होता है. अच्छा, वो आपका काम है जी. ठीक है अंकित, अब लास्ट एक क्वेश्चन मेरा आपसे और है. जैसे हम कल बात कर रहे थे कि लोग जो हैं वो पेड़ लगा के या जो है जंगल लगा के आप पैसे कमा सकते हो, जो हम बात करेंगे पर्टिकुलर कार्बन क्रेडिट में. Right. तो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहोगे, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है हमें इन्वायरमेंट को सेव तो करना ही है. ठीक है, पेड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन जो नए पेड़ हैं उनको लगाने से पैसा कहाँ से आएगा? सर देखिए, अभी लाइक फॉरेन कंट्रीज में सबसे ज्यादा चलता है, दैट इज कार्बन ट्रेडिंग. देखिए, जब भी लाइक एक इंडस्ट्री होती है तो वो कार्बन एमिट करती है. जैसे ही कोई बर्निंग होगी या फिर कंजम्पशन होगा तो देयर विल बी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन विच विल बी जनरेटेड इनटू द एनवायरनमेंट. जैसे अभी मैंने बोला एसी में जो कि ग्रीन हाउस गैसेज है, ग्रीन हाउस गैसेज GHG, तो वो क्या होता है कि गवर्नमेंट ने उसको रेगुलेट किया है टू सेव अवर ओजोन लेयर. उसमें क्या होता है कि जितना भी हमारा एमिशन होता है कार्बन गैसेज का, कार्बन से रिलेटेड, तो उसको हमें इक्विवेलेंट करना है. देखिए, हम किसी चीज को रोक नहीं सकते हैं. लाइक देखिए, कार्बन तो कहीं ना कहीं से जनरेट होगा, बट हम उसको दोबारा कंज्यूम कर सकते हैं. सबसे अच्छा वे क्या है? पेड़ लगाओ. पेड़ लगाओ. पेड़ लगाने से क्या होगा, वो उसको कंज्यूम कर लेगा. लेट सपोज मैं यहीं की बात करता हूँ, तो यहाँ पे लेट सपोज 10 इंडस्ट्री है और वो एक साल में, दिस इज एन एग्जाम्पल, दिस इज नॉट द रियल फिगर्स, वो 10 टन कार्बन जनरेट करती है. मैंने 1000 पेड़ लगा दिए तो उसने क्या किया, वो 10 टन कार्बन कंज्यूम कर लिया. ठीक है. अब गवर्नमेंट ने बोला कि लाइक भाई, आप वेस्ट जनरेट कर रहे हो, कोई और उसकी भरपाई कर रहा है, दिस इज नॉट राइट, इट शुड बी टेकन केयर. गवर्नमेंट ने इसको रेगुलराइज कर दिया है, रेगुलेट कर दिया है. ठीक है. अगेन रेगुलेटिंग बॉडी आपकी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है. उसमें उनका कहना है कि जिसने आपने वेस्ट जनरेट किया है, ही इज गोइंग टू रिस्पॉन्सिबल, ही इज गोइंग टू पे. तो जो पेड़ लगा रहा है, जो उसका कार्बन कंज्यूम कर रहा है, उसको पैसा देना होगा. उसको एक कार्बन क्रेडिट का कॉस्ट होगा एक पर्टिकुलर. लेट सपोज एक कार्बन क्रेडिट का 50 रुपए है, तो अगर आपकी कंपनी को अलाउड है कि 200 कार्बन आप लाइक जनरेट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है, तो 200 के ऊपर जितना वो जनरेट करेगा उसको कार्बन परचेज करना होगा. ठीक है. उसको कार्बन जीरो करना होगा. हमने सुना होगा काफी पेरिस एग्रीमेंट भी हुआ था, एक नेट जीरो की बात होती है, लाइक 2030 तक वी विल बी रिड्यूसिंग इट टू 30%, वी विल बी रिड्यूसिंग इट टू 25%. वो कुछ नहीं है, वो ये नहीं है कि हम कट डाउन कर देंगे. That is again, like, हम उसको बैलेंस कर लेंगे. ठीक है. पेड़ लगा के कर लेंगे, हम उसको अदर मीन से कर लेंगे, कंजम्पशन कम कर देंगे. लाइक अभी कोल ड्रिवन जो फैक्ट्रीज है, अगर मैं बोलूँ कि कोल ड्रिवन फैक्ट्रीज को आप हटा के इलेक्ट्रिसिटी पे ले आइए, गवर्नमेंट इलेक्ट्रिफिकेशन, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन क्यों कर रही है? दैट्स द मेन रीजन. कोल हटाना है, बिल्कुल, क्योंकि उनको वो कोल हटाना है. अगेन इलेक्ट्रिसिटी अगर कोल से प्रोड्यूस हो रही है तो नो बेनिफिट. वो इट विल बी लाइक अगेन कमिंग टू दैट पॉइंट. सो इलेक्ट्रिसिटी अगर हाइड्रो से है आपका, ठीक है, तो क्या हुआ, आपका कार्बन जीरो हो जाएगा, न्यूट्रल कर लेंगे हम उसको. अभी एमिट तो हो रहा है बट वो कंज्यूम हो जा रहा है साथ के साथ में. तो गवर्नमेंट अभी रेगुलेट किया है एंड गवर्नमेंट ने ये ट्रेडिंग, जो कार्बन ट्रेडिंग होगा, उसको इवन लीगल भी कर दिया है. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि वो लीगल नहीं है, आप नहीं कर सकते हो ट्रेडिंग, आप कर सकते हो. ठीक है. सो उसके लिए कार्बन क्रेडिट्स होगा, आप उसको दूसरी पार्टी को दो, जो आपको प्रोड्यूस कर रहा है और जो कंज्यूम कर रहा है, वो आपस में उसको सेल आउट करेंगे. ठीक है. सो दैट इज द वे आप उससे अर्न कर सकते. ठीक है. तो अब मैं थोड़ा सा यहीं पे ना उत्तराखंड के रेस्पेक्ट में पूछना चाहूंगा. उत्तराखंड में
पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है, पहाड़ खाली के खाली होते जा रहे हैं। अगर कोई उत्तराखंड का इस समय निवासी उसको देख रहा है तो ठीक है, पेड़ लगने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर अभी वो लगाता है तो वो जानकारी कहाँ से लेगी मैं कितने पेड़ लगाऊँ? या ऐसा भी होता होगा कि कुछ पेड़ जो हैं ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम, सॉरी कार्बन कंज्यूम कर रहे हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन जो डिलीवर कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ बताना चाहोगे कि पहाड़ के वो खाली पहाड़ों में वो लोग वहाँ पे अपने उस पेड़ों को लगाएं? सर देखिए, अभी यही कहते हैं कि यू नेवर नो कब एक इंडस्ट्री स्विच कर जाती है। ठीक है, ठीक है। अभी आप कह रहे हैं कि पहाड़ में पलायन हो रहा है, मैं कह रहा हूँ इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं है। आपके पास स्पेस है, आप उसको होल्ड करते हो, गो अहेड विद इट। आप कुछ एक पर्टिकुलर अभी रेगुलेशंस बन रहे हैं इसमें कि कौन कौन सा पेड़ है, कितना कैटेगरी उसमें जाएगा, कितने साल में वो कितना कंज्यूम करेगा, तो वो एक आपका वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, इफ यू ऑन अ लैंड, इवन अगर मैं यूएसए की बात करूं, इट्स अ लाइक इमर्जिंग इकोनॉमी, बिलियन डॉलर इकोनॉमी, एंड पीपल आर अर्निंग फ्रॉम इट। तो एज पर डेटा अवेलेबल ऑन गूगल, आई एम नॉट लाइक एग्जैक्ट अबाउट दिस डेटा, $70 to $80 का एक कार्बन है वहां पे। अच्छा, मतलब 5,000 रुपए एग्जैक्टली, 5,000 के आसपास आप अप्रोक्सीमेटली लेके चलिए, एक कार्बन है। इफ यू आर लाइक जनरेटिंग एवरी मंथ 10 कार्बन्स, व्हाट्स द इनकम? बिल्कुल ठीक है, हाँ, उतना 10 टाइम्स हो गया। बहुत अच्छा एडवांटेज है पहाड़ के लोगों के पास तो, कि आप अपने पास, आपके पास जमीनें हैं, एक बार रेगुलेटरी आ जाती है, जैसे अभी ओक जो पेड़ होता है वो सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है कार्बन को, तो उसका क्राइटेरिया लोगों का, अगर आपके पास ओक का लाइक पेड़ है, ठीक है, पेड़ है तो आपको ज्यादा मिलेंगे, आपके पास कोई छोटे कम कैटेगरी का पेड़ है आपको थोड़ा कम मिलेगा। सो ऐसा नहीं है कि आप एक साल के बाद आपको मिलना शुरू हो जाएगा उसमें, क्योंकि टाइम लगेगा, टाइम लगता है एक दो साल का, तो उसके बाद तो आप देखिए ना, लाइफ लॉन्ग आपके पास आता रहेगा एंड सेटलमेंट होता रहेगा। सो इट्स अ बिग मार्केट, और पैसिव इनकम है कि एक बार लगा दिया, पैसिव इनकम, एक बार लगाया आपने, उस पर थोड़ा खर्च किया है, उसका केयर टेक केयर करना है, उसका पेड़ को केयर टेक केयर कितना लगता है, एक दो साल, उसके बाद वो अपने आप डेवलप होता है। सो इट्स अ बिलियन डॉलर इकोनॉमी अभी यूएसए में, यूके में, यूरोपियन कंट्रीज में चल रहा है ये। अभी इंडिया ने इसको 23 में लीगलाइज किया है एंड ट्रेडिंग इसका ओपन कर दिया है, ठीक है, वी आर मूविंग अहेड। अभी रेगुलेटरी बन रही है इस पे, आपके स्टैंडर्ड्स वगैरह बनेंगे, वेरिफिकेशन के पर्पस बनेंगे कि कौन वेरीफाई करेगा इसको कि भाई इतना पेड़ है, कितना कार्बन देना चाहिए, तो एक प्लेटफॉर्म भी आएगा कि जहां पे मैन्युफैक्चरर्स आपके खरीदेंगे। सो उनको बेचने भी नहीं जाना है, ऐसा नहीं है कि पहाड़ का है तो वो दिल्ली में कैसे जाएगा, मुंबई में कैसा जाएगा, आज के डेट में सब ऑनलाइन हो गया है, तो वो वहां पे बैठ के ट्रेडिंग कर सकता है अपनी आराम से। इट्स अगेन लाइक मार्केट, आपका स्टॉक मार्केट होता है, ट्रेडिंग चल रहा है, इट्स ऑनली गोइंग टू बी लाइक दैट ओनली। तो इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी, अगर आप करना चाहते हैं तो आप थोड़ा टाइम दीजिए चीजों को, समझिए उसके बारे में, पढ़िए, एंड देन यू कैन प्रोसीड फॉर इट, दैट्स अ गुड मार्केट। ठीक है, चलिए अंकित, बहुत बढ़िया लगा यहाँ पे आपसे बात करके, आपने बहुत अच्छा यहाँ पे हमारे व्यूअर्स को बताया। हम चाहेंगे आप और भी आगे की वीडियोज में आते रहें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू। ओके।